देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं। मैं उचित कह रही हूँ ना यमराज? आपको तो स्मरण होगा, भक्त मारकंडे की जब आप प्राण हरने गए थे तो आपसे महादेव के प्रति दृष्टता हुई थी, और उन्होंने आपके साथ क्या किया था? चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, रत्न सानुशरासनम रजताद्रिशिंग निकेतनम शिंजनिकृत पन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम् त्रिदिवालयैर भिवंदितम्। बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारा समय समाप्त हुआ, मेरे साथ चलो, मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूं। अपना ये मंत्र जाप रोक कर बाहर आओ और अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मैं भी मृत्युलोक जाकर यमलोक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वृद्ध माता पिता को अभी मेरी आवश्यकता है, और मैं महादेव का भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं ले जा सकते। महादेव ने ही मुझे ये कार्य सौंपा है बालक। आयु संपूर्ण होने के पश्चात मैं सभी को मृत्यु प्रदान करूं। समय आने पर मुझसे किसी का भी बचाव संभव नहीं है, फिर वो शिव भक्त हो या विष्णु भक्त, मेरे समक्ष तो सभी विवश हो जाते हैं बालक। इसीलिए अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और अपना हट त्याग कर शीघ्र बाहर आओ। तुम्हें क्या लगता है बालक, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने में विफल हो जाऊंगा। मेरा ये पाश अब तुम्हारे प्राण बाहर खींच लाएगा। कैसे संभव है? मेरा पाश अग्नि से कैसे प्रज्वलित हो गया? अवश्य ही ये इस मायावी बालक की कोई माया है, किंतु मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा। यमराज ने अपने पाश से शिवलिंग अर्थात मेरे स्वामी को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? स्वयं अर्धनारीश्वर यहां यहां इस बालक की रक्षा के लिए? अपना त्रिशूल वापस ले लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा महादेव।
स्मरण है ना यमराज, तब आपके पार्थिव शरीर के समीप एकत्रित होकर इन सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आपके पुनर्जीवन की प्रार्थना की थी, ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहे। तब देवी पार्वती ने शांत होकर आपको पुनर्जीवन दिया, किंतु आज स्वयं उनके पुत्र का अंत हुआ है। अब उनका क्रोध कैसा विनाश करेगा, ये भला कौन कह सकता है। कोई भी स्त्री अपने पति और संतान को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ पहुंचेंगी, फिर कौन संभालेगा उन्हें, बोलिए। हे भोलेनाथ, हमें ज्ञात नहीं था कि ये बालक कौन था। देवराज, आपको ज्ञात नहीं था कि ये देवी पार्वती का पुत्र था, किंतु मुझे तो ज्ञात था ये कौन है। ये पार्वती पुत्र शिव पुत्र भी था, मेरा भी पुत्र था, हम दोनों एक ही तो हैं, इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहां पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। ऐसा दुर्भाग्य है ये मेरा, मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज, एक माँ से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। व्रत आपको अकेले ही करना होगा, इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप। यदि पुण्यक व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। ये कैसा कंपन है, के प्रतीक है महादेव, संपूर्ण जगत उनके उदर में स्थित, और आज जब वो स्वयं अस्थिर हो रहे हैं तो बाहरी संसार में कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक। और यह अस्थिरता मात्र कैलाश तक ही सीमित नहीं रहेगी, यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह अस्थिरता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। देवताओं को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं। रुक जाइए, देवी पार्वती से भागकर कहाँ छिपेंगे आप। ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है, और ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाहित है, उन देवी पार्वती से इस सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा नहीं जा सकता। आदि शक्ति होते हुए भी देवी पार्वती अपनी शक्तियों को भुलाकर एक साधारण गृहिणी के समान अपना जीवन बिता रही हैं। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है, तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा, और तब उनका प्रचंड क्रोध जागृत होगा। उनके क्रोध का सामना करने का साहस तो रखिए देवगण, क्योंकि सनत के घटने में दोष आप सभी देवताओं का है। Thank you.
पार्वती तो यहाँ ही गई। मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ छिपा है वो? क्या बात, आज तो यहाँ सभी देवता एकत्र थे। कुशल तो है ना? संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे। सखियां, क्या हुआ? मेरी सखियां, आप सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या? आप सब यहां, सबके मुख पर दुख का भाव, इसका कारण क्या है? ये मुझे कोई नहीं बता रहा। अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है। आपको कैसे बताएं देवी पार्वती, जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी। अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है। स्वामी, स्वामी यहाँ है, उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और मेरा पुत्र, पुत्र कहाँ है? पुत्र, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी आप ही कुछ बताइए। क्या है, किसकी आकृति है ये? कौन पड़ा है यहाँ भूमि पर? अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा, उसे और नहीं छिपाया जा सकता। किसके हैं? कौन है? कहीं
सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा, मैं ये वचन देता हूँ। उसका जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसका अंत कैसे हो सकता है? स्वयं नारायण के वरदान से प्राप्त मेरा पुत्र मुझे अपनी मां को छोड़कर कैसे जा सकता है? व्रत की सफलता के फल स्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे। फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई। अन्य सभी गण तब आपके साथ थे, इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए हाथ छोड़ दिया। किंतु स्वामी, इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? बताइए स्वामी, कैसे हो गया ये घोर अनर्थ? किस दुष्ट का कृत्य है ये? तुम्हारा अपराधी
मैं हूं पार्वती, मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। अपराधी मैं हूं पार्वती, आपने किया मेरे पुत्र का वध, किंतु क्यों स्वामी? ऐसा क्या अपराध किया था उस बालक ने? उत्तर दीजिए। माँ का हृदय पुत्र की मृत्यु का कारण समझाने पर भी कहाँ समझ सकेगा माँ, और तुमसे क्या कहूं? दुखद सत्य तो यह है कि इसके शीश को इसके धड़ से विलक्कर इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से। इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, कल्पना से चलना था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलक किया आपने? शक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है माँ, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता,
उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया। किसी को भीतर नहीं जाने दिया ना मेरे पुत्र ने। आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उसे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। महादेव या उनके गढ़ों के भीतर ना जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी मां की आज्ञा
अपना पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में, इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है क्या आपको? आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं, आदि शक्ति हूं मैं। वो आदि शक्ति जो उस समय सती के रूप में भी मैं सदा आपकी ही प्रार्थना में लीन रही, अपने पिता श्री प्रजापति दक्ष के विरुद्ध गई ताकि आपके साथ हमारा विवाह हो सके। सती, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा विवाह उस शिव वैरागी से कदापि नहीं होने दूंगा। अनेकों कष्ट सहे तब कहीं जाकर ब्रह्मदेव की सहायता से हमारा विवाह हुआ, परंतु उस विवाह के बाद भी मेरे कष्ट कम नहीं हुए। पिताश्री द्वारा आपको यज्ञ में ना बुलाए जाने के पश्चात आपके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। सती का अंत अवश्य हुआ किंतु उसकी इच्छा पूर्ण रही, इसीलिए मैंने पुनः जन्म लेकर आपको मनाने के लिए वर्षों तक तप किए ताकि इस बार मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सके, किंतु आप वर्षों तक समाधि में लीन रहे। आपको तो इसका आभास तक नहीं था। किसी प्रकार पुनः आपसे विवाह हुआ और वर्षों पश्चात जब पुत्र प्राप्ति की कामना की तो देवता आपने अपने संकट लेकर आप पहुंचे। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। मेरे प्रथम पुत्र को आपने उनके कार्यों में लगा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने द्वितीय पुत्र के लिए पुनः कठोर पुण्य व्रत तक किया। मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए त्रिमूर्ति के समक्ष गुण हो सके। तथास्तु। पुत्र पाकर एक माँ पुनः प्रफुल्लित हुई। आप सबके साथ मिलकर स्वयं मेरे स्वामी ने इतनी निष्ठुरता के साथ मेरे पुत्र का वध कर दिया। स्वामी, आपका त्रिशूल तो इसीलिए है ना उसका प्रयोग कर आप दुष्ट जनों से अपने भक्तों और अपनों की रक्षा कर सके, और आपने उसी से अपने पुत्र का वध कर दिया। मुझे बताइए महादेव, क्या शीश विलक करने के सिवाय आप कुछ और भी कर सकते हैं? स्मरण है आपको कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मदेव का ही शीश उनके धड़ से विलक कर दिया था, और फिर वीरभद्र का रूप धारण कर आपने प्रजापति दक्ष का भी शीश उनके धड़ से विलक कर दिया। किंतु इस बार तो आप सभी सीमाएं लांघ गए।
आपके जिस पुत्र को आपका स्नेह प्राप्त होना चाहिए था, आपने उसी पुत्र का शीश उसके शरीर से विलग कर दिया। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप। तो उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी छत में छत कर देंगे। यहां तक कि अपने पुत्र को भी। इतना भी नियंत्रण नहीं है आपको अपने क्रोध पर। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। उसे पुनः उठकर मुझे मां कहने के लिए कहिए। कुछ करिए महादेव, कुछ करिए। अन्यथा मैं भी अपना नियंत्रण खो दूंगी। मेरा पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र, मेरे सृजन से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र। क्यों महादेव, क्यों क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर है, और अगर उन्होंने प्रचंड रूप धारण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप उसे जीवन देना नहीं चाहते तो मैं जीवित करूंगी उसे। मैंने ही उसका सृजन कर उसे जीवन दिया है, तो मैं ही उसे पुनर्जीवित करूंगी। कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम्हारे समस्त प्रयास निरर्थक हैं। ये क्या हो रहा है, इसका शेष क्यों नहीं बना पा रही हूं मैं, उसे जीवन क्यों नहीं दे पा रही हूं मैं। उसके शेष की बस को एकत्रित कर रही हूं तो वो बिखर क्यों जाती है। रुक जाओ उमा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। उसकी बाहों में मेरा प्रयास व्यर्थ कैसे हो सकता है। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। ये शीश मेरे त्रिशूल के प्रहार से भस्म हुआ है, और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता।
इसका शीश सदा के लिए नष्ट हो चुका है। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता तो संसार भी शेष नहीं रहेगा। ऐसी विनाश लीला उत्पन्न करूंगी मैं। आप सभी नारी को क्या समझते हैं? भले ही कुछ भी होता रहे, आप सभी कुछ भी करते रहे और वो शांति से सब कुछ सहती रहेगी, नहीं? नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं, उन्हें रोकिए। यदि वे महादेव के कहे को अनसुना कर दे तो आप ही उन्हें समझाइए। प्रिय, अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ।